जय माता दी। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को सपोर्ट कर सकता है, किसी को समझा सकता है, किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। एक तारीख है आज, कल आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया। वीडियो काफ़ी अच्छा बना था, बेसिक्स जानकारी थी उसमें, खेल क्या चलता है, तरीके क्या होते हैं, क्या कुछ बेहतरीन आप ध्यान रख सकते हो अपने बारे में, सब कुछ चर्चा करी थी बढ़िया से। बहुत ही बेहतरीन सुंदर सुंदर कमेंट्स आए उस पर, उन सभी कमेंट्स को पढ़ के दिल खुश है एकदम। समझ में आ रहा है कि हाँ, जो मेहनत मैं करता हूँ वो सफल हो रही है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए उनके विचार मेरे प्रति इतने सुंदर हैं, इतने सम्मानजनक हैं। उन सभी भाइयों के लिए जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, सबको दिल से शुक्रिया, आपका शुक्रगुजार हूँ। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। जो कुछ मैं जानता हूँ, जो कुछ मैं आपके लिए अच्छे से कर सकता हूँ, उसे आगे भी बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करता रहूँगा। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, पहली तारीख है, अंकगणित क्या कुछ रह सकता है। क्रॉसिंग के अंकों से खेल अगर शुरू करें तो मैंने आपको कल एक अंक बताया था कि भैया ये सबसे टॉप क्लास अंक है, तो उसमें चार का अंक आपको पता होगा कि भैया चार का अंक बताया था मैंने। ये अंक सच में टॉप क्लास है, फायदा ला सकता है, जोड़ियां बना सकता है। इसके साथ में आज जो शनिवार है उसकी ट्रिक का अंक की भैया सत्ता खुलने के चांस बहुत अच्छे रहेंगे, ये अपडेट हुआ है। साथ में आपका आठ का अंक बढ़िया रहने वाला है, बिंदी का अंक अच्छा रहने वाला है, छः का अंक अच्छा रहने वाला है। मैंने नौ के अंक की जगह पे, मुझे लगता है कि नौ खुलने के चांस बेहतरीन बन रहे हैं, मैंने लोकेशन में रखा भी है, लेकिन उसकी जगह पे अगर मैं पंजा रखूं तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा फायदा दिला सकता हूं अपने कुंडूबा परिवार को क्रॉसिंग में, क्योंकि पंजा खुलने के जो चांस रहेंगे वो दो से तीन बार रहेंगे। मैं आपके साथ उन अंकों को, उन जोड़ियों को साझा भी करूँगा कहाँ पर क्या कुछ बेहतरीन बनेगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो मेरे हिसाब से 4, 7, 8, 0, 6, 5 का जो अंक गणित है क्रॉसिंग के लिए टॉप क्लास रहने वाला है। अगर आप इसमें से कोई भी अंक इस्तेमाल करना चाहते हो तो मुझे लगता है आपके लिए फ़ायदा निकल कर आ सकता है। चौवा भी पास होगा, सत्ता भी खुलेगा, अट्ठा भी खुलेगा, जीरो, छक्का, पंजा, सभी अंक खुलेंगे। बस कोशिश यही की गई है कि ये आपस में खुल जाए, जिससे कि क्रॉसिंग भी पास हो जाए और गेम भी पास हो जाए। तो ये क्रॉसिंग के अंक हैं जो आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अब यहाँ से टॉप क्लास जोड़ी की बात कर लूँ, क्योंकि टॉप क्लास जोड़ी है अपने पास, तो आपके साथ साझा कर देता हूँ। टॉप क्लास जोड़ी का मतलब है कि ये जोड़ी कहीं पर भी आ सकती है। मैंने भी इस जोड़ी के साथ लोकेशन सेट की होती है कि भैया मुझे लगता है कि ये वाली जोड़ी इस लोकेशन में आ सकती है, ये वाली जोड़ी इस लोकेशन में आ सकती है, तो मैंने अपना काम कर दिया। एक जगह मैं यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ टॉप क्लास, जैसे मैंने अट्ठे के साथ खेल बनाया था, टॉप क्लास बनाया था। इसके अलावा जब मैंने टॉप क्लास में 24-42 दी थी तब चौवन आया था, तो ये काम कर रहा है और काम करता है, तो हमें इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। टॉप क्लास में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 70 का चांस बेहतरीन बन रहा है, इसी की राशि का 75 बढ़िया बन रहा है, क्योंकि हमारा खेल राशि में भी कट जाता है, तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखी गई हैं। 70-75 का खेल टॉप क्लास है। इसके अलावा जो खेल है वो आपका 30 का खेल बहुत बढ़िया है, और साथ में कहीं एक 65 खुलने के चांस बन रहे हैं। तो 30 आपकी शनिवार जोड़ी में बढ़िया काम कर रही है, मैंने भी एक जगह पे इसका इस्तेमाल किया है। 70 आपकी शनिवार जोड़ी में पहले भी काम करके गई है, हमने काफ़ी बार फ़ायदा भी लिया है। 75 भी उसी कैटेगरी में आती है, 65 भी उसी कैटेगरी में आती है, तो ये खेल बना है। अगर जमता हो तो इसका इस्तेमाल टॉप क्लास के साथ कर सकते हैं। मैंने भी इन जोड़ियों का इस्तेमाल विद लोकेशन करने की कोशिश की है,
बस ये देखना होगा कि ये लोकेशन के साथ कितना फ़ायदा देती हैं, या फिर ये इस प्रकार से रख के फ़ायदा देती हैं। तो ये रही आज की टॉप क्लास जोड़ी, इसे पकड़ भी कह सकते हो। कई भाई पूछते हैं ना, बाबा जी पकड़ जोड़ी दे दो, पकड़ जोड़ी दे दो। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तो शब्दों में आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब आप किसी को सुनोगे तभी तो आप समझ पाओगे कि उसकी अंदर की मन की मन क्या चाहता है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। जब मैं आपको एक ही जोड़ी पर बार बार जोर मारने को कहता हूँ या बताता हूँ कि ये वाला अंक अच्छा रहेगा, तब आप उससे काम कर सकते हो। आप उसके साथ कोई अंक जोड़ के पकड़ जोड़ी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बाबा जी घर पर आएं और अपना खुद ही हमारी पर्ची लिखवाएं, गेम भी पास करवाएं और हमारे घर पे पैसे भी दे के जाएं, तो वो काम कहाँ से हो पाएगा? आपको खुद भी थोड़ा सा परामर्श करना पड़ेगा, खुद भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो सफलता का मजा आएगा। तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से मैं फ़ायदा ले सकता हूँ, इस तरीके से गेम पास होती है। अगर आप खुद सब चीज़ें करोगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप सोचो कि कोई आए और इस तरीके से काम कर जाए तो ये फिर गलत बात है, ये विचार अच्छे नहीं लगते। ये हो गई हमारी टॉप क्लास सिस्टम क्रॉसिंग, हमने बात कर ली है। अब फटाफट से ना हम अपना दिल्ली बाजार की खेल पे बात करते हैं, दिल्ली बाजार में क्या कुछ बेहतरीन रह सकता है। तो दिल्ली बाजार के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले यहाँ पे 07 का खेल बहुत अच्छा बन रहा है। 08 के बाद खेल निकला है यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, 08 के बाद यहाँ पर आपका खेल आ रहा है, क्योंकि दिल्ली बाजार की क्लोजिंग है जो 08 पर है। इसके अलावा यहाँ पर 75 सबसे पहले रखी जा रही है, और इसके अलावा 04 का सिस्टम रखा जा रहा है। मैंने एक चीज़ नोट करी पिछले महीने जाके कि शनिवार के दिन दिल्ली बाजार में 0 ज़्यादा खुल रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है जब हम खेल बनाते हैं। अभी हमारे सामने कुछ भी जोड़ी नहीं है, पहली तारीख है आज, खेल आज खुलेगा। कल से हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि भैया क्या ट्रिक लग रही है, कैसे कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले ब्लाइंड चाल में हम इस खेल के साथ चल सकते हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है कि बस गैसिंग करनी है, अच्छी गैसिंग करनी है, जिसमें हमारा शुरुआत के दिनों का ध्यान रखना होता है, हमें अपनी तारीख का ध्यान रखना होता है, हमें कौन सा वार चल रहा है इसका ध्यान रखना होता है, हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि बंद किस पे हुआ है खेल। तो ये ब्लाइंड खेल के सारे नियम होते हैं। अगर ये सटीक बैठते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ये फेल भी होते हैं तब भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपना शुरुआत में खेल आपका, कहते हैं ना खिलाड़ी जब ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो दो चार बॉल अपना वार्म अप के लिए वाइड वाइड हो ही जाती है, उसके बाद आता है ना बंदा पेस में कि डाल रहा है एकदम बढ़िया से लग के बॉल, या बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा है 10-12 बॉल खेलने के बाद, तो उसे वार्म अप कहते हैं। तो हम भी अभी वार्म अप सिचुएशन में ही हैं। फरीदाबाद की लोकेशन में क्या कुछ बेहतरीन रह सकता है? फरीदाबाद का जो क्लोजिंग है वो है आपकी 13 पर। यहाँ पर ना मैंने पूरी ट्रिक झोंक दी है, मुझे लगता है कि यहाँ पे चौवे पे तिग्गी, चौवे पे इक्का, ये आपके पहले दो जोड़ियाँ हैं। फरीदाबाद में ना शुरुआत के दिनों में चौवे का अंक बेहतरीन साबित होता है। फरीदाबाद में शुरुआत के दिन जो है पहली दूसरी तारीख में 43 खुलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक ध्यान रखा गया है आपका 49 की तरफ, यहाँ पे चौवा फुल कवर कर लिया है। अब अगर 4 का अंक यहाँ पे खुलता है ना, तो इन तीनों जोड़ियों के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और जोड़ी के चांस बनने चाहिए, क्योंकि सारा एकदम कहते हैं ना साम दाम दंड भेद सिस्टम यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे एक जोड़ी बचती है जो 13 के बाद खुलने के चांस बनाती है, वो है भैया आपकी 06। 06 ज़्यादातर फरीदाबाद दिल्ली बाजार में खुली पिछले महीने, लेकिन इसके चांस अच्छे हैं, संभव चांस हैं ये गेम खुल सकती है। मैंने जोड़ी रख दी है, अगर आप चाहो तो इसको किसी और गेम में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये लोकेशन जो बन रही है वो आपकी फरीदाबाद की बन रही है। फरीदाबाद में इसके चांस बन रहे हैं, चौवे का अंक खुलने की संभावनाएं हैं यहाँ पर, इसलिए 4 का अंक अच्छे से कवर कर लिया है। कोशिश की गई है बेहतरीन तरीके से गेम पास करवाने की, पासिंग दिलवाने की, जो कि सफल भी होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने पहले चीज़ें बताई भी हैं कि हम फेल नहीं होते, हम सीखते हैं या जीतते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए फरीदाबाद दिल्ली बाज़ार दोनों ही बेहतरीन काम कर सकती हैं। अब बात करना चाहता हूँ गाज़ियाबाद की गेम की।
गाज़ियाबाद में क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं? तो भैया देखो, गाज़ियाबाद की जो क्लोजिंग है वो है 76 पे, जो कि हमारी दो जोड़ियों में पास हुई थी। राम जी ने खूब कृपा करी थी, माता रानी ने खूब कृपा करी थी। अब यहाँ से हम 76 के बाद क्या कुछ बेहतरीन ट्राई कर सकते हैं? तो देखो, 76 के बाद आपका टॉप क्लास जोड़ी का 56-65 यहाँ पर काम कर सकता है। इसके अलावा 76 का घटते क्रम का 75 यहाँ पर काम कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चांस है जोड़ा खुलने के, जो कि 77 का रह सकता है। 70 यहाँ पर मेरा पर्सनल बेस्ट है, जिसने मुझे यहाँ पर सफलता दिलाई, फ़ायदा दिलवाया, जिसमें 6 भी था तो 6 के साथ मैंने 56 का इस्तेमाल किया है। अगर आपका ये खेल जमता है तो आप इस खेल का लुत्फ उठाइए, इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि चीज़ें कुछ और हो सकती हैं, या फिर मान के चलो दिल्ली बाज़ार में, फरीदाबाद में कुछ ऐसा खुल जाता है जो इस खेल को बिल्कुल नकार देता है, या फिर ये जोड़ियां कहीं और खुल जाती हैं, तो भी खेल पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये खेल अच्छा रहने वाला है। बाकी तो दिल्ली बाज़ार का, फरीदाबाद का, गाज़ियाबाद का रिजल्ट खुद ही आपको बता देगा कि खेल में कितना दम था। तो ये जोड़ियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अब यहाँ से बात करना चाहूँगा अपनी अगली लोकेशन, जो कि है गली की। गली में क्या कुछ बेहतरीन कर सकते हैं? तो भैया गली की जो क्लोजिंग है वो है 32 पे। तो 32 के बाद यहाँ पे जो मैं बता रहा था ना कि आपकी टॉप जोड़ी में जो खेल बनाया है मैंने, वो 30 का बेहतरीन रहने वाला है, चांस अच्छे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जोड़े का 88 टॉप क्लास रहने वाला है। यहाँ पर आपका जोड़े का 55 अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर एक खेल में 38-83 भी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे 32 खुली हुई है, इसलिए समीकरण यहाँ पर इस प्रकार बन रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछो यहाँ पर हरूफ कौन सा रह सकता है, तो भैया हरूफ में यहाँ पे 8 के अंक के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। अगर जमता हो तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा का सौदा ये रह सकता है, क्योंकि अंकगणित शुरुआत में गली के लिए कुछ इसी प्रकार से जाता है। 32 खुलने का समीकरण सीधे सीधे एक चीज़ तय कर रहा है कि आपकी शुरुआत 38 से या 88 से हो सकती है। 88 अगर जोड़े में कटता है तो 55 पे कटने के चांस ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो मैंने आपका पूरा समीकरण सेट कर दिया है, ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अब मैं अपनी आखिरी लोकेशन की बात करना चाहता हूँ, जो कि है दिशावर की। दिशावर का जो खेल है, जो क्लोजिंग है, वो आपकी 79 पे हुई है। अब 79 के बाद हम 2 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को दिशावर का रिजल्ट तो आता नहीं है, इसलिए दिशावर का रिजल्ट खुलेगा सुबह। तो दिशावर का एक चीज़ नोट की गई है कि रविवार के दिन दिशावर, पिछले महीने अगर नोट किया था तो 49 के चांस अच्छे बनाए, इसने 2 बार खोली थी। इसके अलावा 89 खुलने के चांस बनेंगे, इसके अलावा यहाँ पे 59 खुलने के चांस बनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी यहाँ पर नहले के साथ जा सकती है, नहला उठा सकती है। तो अगर आपको लगता हो कि नहले में दम है, 49, 89, 59 काम करके दे सकती हैं 79 के ऊपर, तो आप इस खेल का आनंद उठा सकते हैं, बढ़िया से इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी अपडेट रहेगा जो कि मुझे दिल्ली बाज़ार, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद गली देखने के बाद दिखेगा कि मैं दिशावर के लिए या मैं गली के लिए कुछ अपडेट कर सकता हूँ, तो मैं उसे करने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि भैया मुझे भी अंदर से फीलिंग आए कि हाँ, मैं अपडेट करूँ, लोगों को फ़ायदा दिला सकूँ। लेकिन जो वीडियो है ये सब कुछ एकदम क्लियर कट कर रही है, टॉप जोड़ी अच्छी है, विद लोकेशन खेल अच्छा है, क्रॉसिंग के अंक अच्छे हैं, और जो अंक मैंने आपको समझाए हैं, ये वाला खुल सकता है, ये वाला खुल सकता है, ये सभी अपना काम बढ़िया से कर सकते हैं। तो एक बार इस पे नज़र मार लेना। वीडियो पसंद आने पर ना वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय माता दी, बहुत सारा प्यार।